नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, आज खबर बहुत ही दुखद है। चूंकि आपने देखा होगा, हर टीवी पर एक खबर चल रही है जो कि जयपुर में सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या कर दी गई है। जी हां, ये बहुत ही दुखद खबर है, चूंकि करणी सेना के अध्यक्ष थे और हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे थे। जी हां, तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या है, क्यों उनकी हत्या की गई है। सुखदेव सिंह के घर पर पुलिस कमिश्नर खुद पहुंचे हैं और मौके का मुआयना कर रहे हैं। हालांकि हमने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे वो घर के अंदर दाखिल हो गए। तो जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष राजपूत करणी सेना, जो अलग संगठन बनाया था सुखदेव सिंह ने, उनके घर के अंदर घुसकर बदमाशों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। जानकारी के मुताबिक 4 गोलियां वहां पर उनको लगी हैं और इसके बाद बदमाशों ने भागते हुए उनके गनमैन पर भी फायर किया, राहगीर पर भी फायर किया, लेकिन 4 गोलियां लगने के तुरंत बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया था। अस्पताल पहुंचाने के बाद उम्मीद थी कि शायद उन्हें बचा लिया जाए, लेकिन खबर अंदर से ये आई कि उनकी मौत हो गई है। और ये तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की टीम मौजूद है, FSL की टीम मौके पर पहुंची है, FSL की टीम सबूत जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। ये देखिए टीम हम आपको दिखा रहे हैं, ये FSL की टीम है जो इस वक्त सबूत जुटा रही है। की जाती है गोगा मेडी के साथ जो 2 अन्य लोग मौजूद होते हैं उनको भी गोलियां मारी जाती है। गोगा मेडी को 4 गोलियां यहां पे मारी गई है बताया जा रहा है, और जिसके चलते उनकी जो डेथ हो गई और उनको यहां लेकर आया गया था। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में उनको लाया गया था, जो डॉक्टर थे उन्होंने पूरी कोशिश की उनको बचाने की, हालांकि उनको नहीं बचाया जा सका। उनके साथ जो 2 अन्य लोग हैं जिनको गोलियां लगी है, उनका जो इलाज है वो फिलहाल यहां पे जारी है। और आप देख सकते हैं लगातार उनसे मिलने वाले जो लोग हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लगातार मेट्रोमास हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। और जो भी जिसको भी इस जानकारी मिल रही है वो इसको विश्वास नहीं कर पा रहा है कि इस तरह की वारदात हुई है राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े, और वो भी एक ऐसे पॉश एरिया के अंदर जहाँ की सुरक्षा को लेकर तमाम जो दावे हैं वो किए जाते हैं। और पूरी रैकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि जो हमलावर थे उनको इस बात का अंदाज़ा था कि जो सुरक्षा में लगे हुए गार्ड हैं वो आज छुट्टी पे हैं और किस वक्त गोगा मेडी घर पे मौजूद रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, इस तमाम चीज़ों की जो जानकारी है वो हमलावरों को थी, और उसके बाद हमलावरों ने इस तरह की जो वारदात है उसको अंजाम दिया है। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।